सूर्य सृष्टि का पावन पर्व शादीकालीन सूर्य की अर्घ देकर महिलाएं पूजन अर्चन की है और बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जा रहा है। आप साफ सफाई आपके सामने है, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मैं यहाँ का पार्षद प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता हूँ। मेरा नाम निखिल वैश्य है, धर्मशाला बाजार से है। तो यहाँ पे दिवाली के बाद से ही काम स्टार्ट है, सारा बैरिकेटिंग लगा हुआ था और हर साल हम लोग के जो पार्षद जी हैं साफ सफाई करवाते हैं, पूरे यहाँ सजवाते हैं और हम लोग महापर्व ही, हम लोग का छठ पूजा महापर्व है और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं इसको। हर साल यहाँ पूरा रौनक रहता है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं रहती है देखा जाए तो। जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, क्योंकि मेरे पार्षद जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। हमारे इस टाइम जो छट्टीलाल पार्षद जी हैं उन्होंने जो भी किया अपने माध्यम से बहुत अच्छा किया है। बाकी उनका धन्यवाद करते हैं कि जितनी भी महिलाएं आए हैं व्रत रहती हैं सब लोग अपना पूजा पाठ आराम से करती हैं, फिर अपने आराम आराम से करते हैं। आप बताइए मैडम और क्या व्यवस्था इसमें हो सकता है? कमी कुछ भी नहीं है, डेकोरेशन वगैरह वो लोग हर साल करवाते हैं और पूरी कोशिश हर साल वो करते हैं अच्छे से अच्छा करें हम, और जितना हो सकता है वो हर साल अच्छा ही करते हैं और पूजा भी अच्छे से होता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है यहाँ पे। और होता है भीड़ भी होता है, पर यहाँ पे प्रशासन की भी व्यवस्था हमेशा अच्छी सी रहती है और पूजा पाठ में भी कोई दिक्कत नहीं और साफ सफाई तो हमेशा होता रहता है। और दिवाली के बाद से ही हम लोग के पार्षद जो हैं छट्टीलाल वो हमेशा अपना पूरा योगदान देते रहते हैं और बस बहुत यही कहना चाहूँगी, मतलब हमेशा वो लोग साफ सफाई वगैरह करते रहते हैं, उन लोगों का योगदान बना रहता है। भाई छोटे छोटे भाइयों भी हैं वो लोग का भी बना रहता है यहाँ पे योगदान और शायद आगे भी बना रहे। नाव की व्यवस्था करके जलकुंभी को पूरा साफ करवाया जाएगा, मेरे पार्षद जी ने खुद कहा है कि नाव की व्यवस्था करवा के जलकुंभी को साफ कराया जाएगा और अच्छे तरीके से यहाँ छठ पर्व मनाया जाएगा।